मंच पर आसीन आज इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री सतीश रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय को एक ऊंचाइयां देने वाले इस विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश पांडे जी, कार्य परिषद और विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, कुल सचिव विनय जी, उपस्थित झांसी के प्रशासनिक अधिकारीगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, प्यारे बच्चों, आगंतुकगण और सभी उपाधिधारक विद्यार्थी, झांसी की यह भूमि शौर्य की, कला की, साहित्य की एक संगम है, इस सबका धर्म का भी, और जो स्थान संगम होता है वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। झांसी की धरती वंदनीय है और पूजनीय है, और शायद यही के झांसी की रानी के इतिहास जिसको हम याद करते कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनके शौर्य को देखते ही किसी कवि ने लिखा होगा एक पुष्प की अभिलाषा कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ा भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर, तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। तो झांसी की भूमि है जिसने क्रांति के नए इतिहास लिखे, साहित्य के नए आयाम दिए, धर्म को ऊंचाइयां दी, आस्थाओं को पहचान दी, ऐसी भूमि को नमन है। इसके बाद मैं उन सभी उपाधि धारकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज एक मुकाम हासिल किया और मेडल्स भी प्राप्त किए। उनमें से कुछ लोगों ने कोशिश सभी करते हैं कि मेडल प्राप्त हो, कुछ लोगों को होते हैं, लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मित्रों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। अब तो आपकी शुरुआत है, जो कुछ ज्ञान और कौशल आपने सीखा है उस ज्ञान कौशल को अब अपने प्रयोग में के लिए, अपने परिवार के प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए, अपने समाज के उपयोग के लिए, राष्ट्र के उपयोग के लिए, यहां तक कि सृष्टि के उपयोग के लिए भी आपको करना होगा। और नए मार्ग पर चलकर, नए पथ पर चलकर नए पाथे को ग्रहण करना होगा। जीवन में कुछ लक्ष्य तय करने होंगे आपको कि हमारे कौन से लक्ष्य होने चाहिए। मेडल आपको मिल गए, अब लक्ष्य ऐसे तय करने होंगे कि मॉडल बने आप समाज के लिए। अब कुछ ऐसा करें जिसे लोग कहें, लोग अनुकरण करने की कोशिश करें, आपका अनुगमन करने की कोशिश करें, आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं,
पूरी सृष्टि के लिए हमको करना है। अपने लिए तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मानव संवेदनशील प्राणी है, हमारे अंदर संवेदनाएं हैं। हालांकि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हर एक्शन जो मानव करता है वो रोबोट या साइंस विज्ञान करने लगा है, लेकिन रोबोट के अंदर संवेदनाएं नहीं होती। यदि किसी योद्धा को लड़ना है, दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है और वो आगे बढ़ के अपने दुश्मनों को मार काट करता चला आ रहा है, लेकिन सामने कोई बच्ची आ गई तो उसको उठा के अलग कर देगा, दुश्मन पर वार करेगा, बच्ची को छोड़ देगा, लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करेगा। ये संवेदनाओं का अंतर है। तो संवेदनाएं हमको मानव होने के नाते हमको मिलती है, और यही संवेदनाएं हमको व्यष्टि से समिष्टि की ओर लेके जाती है, व्यक्ति से सृष्टि की ओर लेके जाती है। अभी कुलपति महोदय ने भागवत के रामचरितमानस के बड़े बड़े श्लोक पढ़े, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो छोटी छोटी कविताओं से संदेश ले लेता हूं। दो कविताएं हैं जो दो संस्कृति को दिखाती है, छोटी कविताएं हैं, बच्चों को सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कृति को दर्शन कराती है, संस्कार कैसे दे सकती है, ये एक विषय है। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। यानी लिटिल जॉनी के लिए रेन रेन गो अवे जो सर्व जनहिताय है उसको स्वांतः सुखाय पर बलिदान करना, ये पप सिखाती है वो कविता। स्वार्थ सिद्धि करना सिखाती है, व्यक्तिवादी है। स्वांतः सुखाय हमारी संस्कृति में नहीं है। या मेरे मौला पानी दे, पानी दे, गुड़दानी दे, बरसो राम धड़ाक से, चाहे बुढ़िया मर जाए फाके से। ये हमारी संस्कृति है। चाहे मेरे घर इतने पानी पड़ रहा हो, पानी पड़े और उस पानी पड़ने के कारण मेरे घर में मान लो अनाज खत्म हो जाए, मेरी बुढ़िया फाके से मर जाए, लेकिन बोला पानी दे, क्योंकि सर्वजन हिताय पानी है, स्वांतः सुखाय नहीं है हमारे यहाँ पर। ये हमारी संस्कृति है, ये हम संस्कार देते हैं अपने माता। तो हमारा भी काम, जब आप आगे जाएंगे तो शांत सुखाय एक हो, जरूरी है शांत सुखाय हो, लेकिन सर्वजन हिताय और परजन हिताय, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए जब हम अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्र हिताय होना चाहिए, इदम राष्ट्राय इदम नमम। ये पूरा पूरा कार्य राष्ट्र के लिए, समाज के लिए है, सृष्टि के लिए है। अभी जो छितजल पावक कवन समीरा ये आप नाटक का मंचन हुआ, वह भी सृष्टि के लिए है, व्यष्टि के लिए नहीं। ये हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाएं यही संदेश देती, और यही इसी का वाहक बनना है। अब आपको नए जीवन में प्रवेश हो रहे हैं, इसी का वाहक बने। शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है, गुरु बने। शिक्षक को भी होता है, सब शिक्षक होते हैं, लेकिन गुरु वो होता है जो दिशा देता है और दशा सुधारता है। तो यहाँ के शिक्षक सब बैठे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा इस मंच के माध्यम से कि उनको गुरु बनना चाहिए। पढ़ाना नहीं, सिखाना चाहिए। एक अनुभव आया मेरे जीवन में, मैं आगरा में बैप्टिस्ट स्कूल का पढ़ा हुआ था, सिक्स से लेकर वहीं से किया था,
सामने से निकल रहा था उस कॉलेज के, तो मैंने सोचा कि चलो जरा मैं देखता हूँ, जिस क्लास में मैं पढ़ा था 7th में, उस क्लास में मैं खिड़की से खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। तो वो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे हमें स्वच्छता रखनी है, क्योंकि मोदी जी का जमाना था, स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। मेरी निगाह गई उस पर तो उसकी दीवारों पर जाले लगे हुए थे क्लासरूम की, डेस्कों पर धूल जमी हुई थी। ये छोटी छोटी बातें महामहिम देखती है जब कहीं जाती है। अभी आगरा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में गए थे तो बहुत छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संदेश देती है, तो वो लगे हुए थे, कागज के बॉल बने हुए किसी डेस्क के बच्चे के पास पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा आज बता रहे हैं, कल इसको अप्लाई करेंगे। दूसरे दिन पहुंचा, वही स्थिति थी। तो वो पढ़ा रहे थे, सिखा नहीं रहे थे। हमको आने वाली नस्लों को सिखाना चाहिए, तब आप गुरु बन पाएंगे। शिक्षक बनना तो आसान है, कोई भी बन सकता है, डिग्री प्राप्त की, नौकरी ले ली, शिक्षक बन गए, लेकिन हमने आने वाली नस्लों को क्या सिखाया, क्या बताया, क्या हमने उनको दिशा दी, और उस दिशा से उन्होंने क्या क्या सुधारा। सिखाया जाता है अपने आचरण से, अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से। अभी रजनी जी जिक्र कर रही थी, महामहिम बहुत कुछ सिखाती है हम लोगों को, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से। नौ नौ दस दस घंटे लगातार बैठक करना और एक एक बिंदु पर डिस्कस करके उसको दिशा देना, समझाना, ये हमें दायित्व जो मिला है उसके निर्वहन कैसे किया जाए, ये सिखाती है। दायित्व का निर्वहन ही तो हुआ ये, जो आज उत्तर प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय A++ और 5 A+, पहले B+ से नीचे थे सब, कुछ कईयों पर कोई ग्रेड ही नहीं था। ये 2 साल की, 3 साल की उपलब्धि, शिक्षा का बदलता हुआ प्रवेश उत्तर प्रदेश के अंदर, नए तेवर में शिक्षा उत्तर प्रदेश की, जो सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था शिक्षा के नाम पर, आज सबसे आगे है। सबसे ज्यादा आज A++ और A+ के विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में है, यह हुआ है। पहले 500वीं रैंक में कहीं नहीं था उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय, प्रथम 500 में, आज 100 से ऊपर 3 विश्वविद्यालय हैं। यह उनके दायित्व बोध जो उनके अंदर है, उसका निर्वहन जो हम सीखते हैं उसके परिणाम है। तो मैंने कहा अपने आचरण से, कार्यशैली से, व्यवहार से ये सिखाना पड़ता है शिक्षकों, यदि गुरु बनना है तो। आज UGC में 3 विश्वविद्यालय Grade 1 में है। तो ये जो बदलता हुआ परिवेश है, सामाजिक सरोकारों से शिक्षा को कैसे जोड़ा जाए ये सिखाया है। यहाँ आंगनवाड़ी बैठी है, समाज को कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा क्षेत्र को कैसे जोड़ा जाए। अभी आप जब जहां पुरस्कृत होते, उनको सम्मानित होते देखेंगे, उनका उदाहरण है। तो ये हमें कार्यशैली से समझाना होगा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश था शिक्षा के मामले में, आज सबसे ऊपर आ चुका है, यह है प्रदेश। केंद्र सरकार ने भी सबसे ज्यादा जो अनुदान दिया 700 करोड़ रुपए का, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अनुदान मिला विश्वविद्यालयों को, उनको विकसित करने के लिए,
प्रधानमंत्री जी भी खुश हुए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम तय कर रहा है, नए बिल के पत्थर साबित कर रहा है। मोदी जी ने भी सिखाया है स्वच्छता, खुद झाड़ू लेके निकले हैं, खुद सागर के किनारे उठा उठा के वो रख रहे हैं गंदगी को, सिर्फ उपदेश नहीं दिए, सिखाया है उन्होंने, बताया है। और जब वो उतरे तो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर ऐसे लोग भी झाड़ू लेके उतरे ये बताने के लिए कि हाँ। और आज अपने अंदर आप अंतर महसूस कर रहे होंगे, जो लोग गुटखा पुटखा खाते हैं वो पहले खाते थे, बिंदास फेंक देते थे उसके पाउच को, आज वो ढूंढते हैं कहीं जगह, क्योंकि उनके दिमाग में अब स्वच्छता का इंजेक्शन बैठने लगा है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, जब जब कोई मान लो बिंदास होकर फेंक देता है और उसका बच्चा कहता है पापा आपने ये क्या किया, मोदी जी कहते हैं इसको यथास्थान पर रखिए, यानी आने वाली नस्लों को स्वच्छता का संस्कार दिया है मेरे नेता ने, स्वच्छता का संस्कार दिया। हमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मिली है, ये सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे नेता प्रधानमंत्री विश्व के नेता बन चुके हैं। मोदी जी बोलते हैं दुनिया सुनती है, मोदी जी कहते हैं दुनिया मानती है, ये मेरा नेता है। आप लोगों को भी ऐसे महापुरुषों के कृतित्व से सीखना चाहिए। वो एक टीम बना के चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे लोगों को, उनको साथ लेके चलते हैं, सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। आज उन्होंने एक विजन दिया है पूरे देश को कि विकसित भारत बनाना है हमको 2047 तक। तो मित्रों, आप सबके बलबूते पे दिया है, यह जो बैठा है आने वाली युवा शक्ति, तो जो आने वाले भविष्य का भारत है वो तो है ही है, लेकिन जो जहां पर है उसकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण देकर दिखाया है हमको कि विकासशील देशों में पहले कितना पिछड़ा हुआ था भारत और आज कहां आगे आ चुका है। जो 11वें नंबर पर हमारी आर्थिक स्थिति थी आज 5वें नंबर पर है, यानी उस ब्रिटेन को हम पछाड़ चुके हैं जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी परसों। वो विजन बनाते हैं, उसको अपना मिशन बनाते हैं, फिर पैशन से जुड़ते हैं। हम लोगों को उन्होंने एक काम दे दिया है, जो जहां पर है, जो समाज से हमने लिया है, देश से हमने लिया है, या देश ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, या समाज ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, उसका ईमानदारी से पालन करना, निष्ठा और समर्पण भाव से पालन करना, यही देशभक्ति की सरल परिभाषा है। देशभक्ति उन्हें किस मोर्चे पे जाके ही लड़े हम सब लोग, वो है हमारे लिए वंदनीय है, नमनीय है, आदरणीय है, स्मरणीय है, लेकिन देशभक्ति है कि हम कुछ जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करें। आप सब लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है उसके लिए जब आप जुटेंगे तो विकसित भारत यानी विकसित देशों की श्रेणी में मेरा देश शामिल होगा। धन्यवाद।